नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण न्यूज यूपी में। उड़ान रोजगार की उत्तर प्रदेश बलिया जिला रफणा ब्लॉक के पकड़ बोझा गांव में पहुंचे हैं जमूर्ति राजवर के घर। इस समय मलिन बस्ती, आपको कह दें मलिन बस्ती में पहुंचे हैं। यहां जब आपको वीडियो स्क्रीन पर दिखाएंगे कितने लोग यहां गरीबी में झेलते हैं, गरीबी को कैसे सर पे रखते हैं, किस हालात में लोग जीते हैं। सरकार की योजना आती है तो वहीं से जब चलती है तो बिचवा में हवा नियर उड़ जाला। हम ना कहता नहीं, सबसे बात भइल बा, सब कहता कि हमारी के योजना आते नहीं थे। आवा अपने बतिया बतावा, आइए 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 कैमरे के सामने आप लोग आकर बताइए अपनी अपनी समस्या कीजिए। खबर का असर, मेरे खबर का असर पड़ ही जाता है। अब इस गांव में पहुंचे हैं, जब खबर दिखाएंगे तो असर निश्चित है कि असर पड़ेगा, और असर पड़ेगा तो ऐसे माताओं पर, ऐसे बहनों की गरीबी पर सरकार का नजर एक बार जरूर जाएगा। चाची, इस सरकार का योजना आवा तक ना आप लोग की लगे। सर जमन का कुछ न मिले, न पानी का निकास बा, न आवास मिले, न पैखाना मिले, कुछ नहीं मिले। का नाम हो? गीता। पकड़ बोझा। सरकार तो कहती कि हम अंतिम मन एकदम गरीब के है तक हमारा आवास विकास खुल जाता। आप का कहता नहीं आवा था? हमें कुछ लेके मिले, हमें तो अके ना और कोई को मिले बा? के मिले बा? केउ के लेके मिले? केउ के नहीं के मिले? ना मेन मेन आदमी के मिले लोई। ये मैं मेनो मेनो दिन बन का प्रधान लोग की मान माफी जब ओकर मिलल बा ताकि हमनी और के केउ के बाबू गरीबी गरीबी से रह लड़का का बाई टूट चल का मन का घर आ बाबू बाबू इधर आगे आइए आइए ना बोलिए हम बोल और भैया यही लोग कह लिए का सही बका। सरकार कहती कि हम अंतिम यानी गरीब लोग के पास हमर चल जाता ये योजना। देखिए एक ऐसे गरीब के घर पहुंच गए हैं जिसको देख करके मेरा भी दिल कष्ट से रो रहा है, लेकिन रो नहीं सकते इसलिए कि गरीबी मैंने झेला है। और गरीबी आपको दिखाने की निरंतर हमेशा प्रयास करते हैं। जब गरीब लोग का दिल दुखता है तो कहीं ना कहीं लग जाता है। ऐसे गरीब लोग कह रहे हैं कि अगर आवास आ भी जाता है, मिल भी जाता है, तो मजदूरी नहीं छे मिलत, मजदूरी आपको काहे नहीं मिलता है, या प्रधान जी खा जाते हैं, या सेक्रेटरी साहब खा जाते हैं, रोजगार सेवक साहब खा जाते हैं, या खुद वीडियो साहब ही इस मजदूरिया को, गरीबों की मजदूरिया को खा जाते हैं। अब इनसे ही बात करेंगे। चाची, मजदूरी के अनुसार खा गए खा जा मजा कितना दिन हो गए? एक साल। अब ये मैं दोस्त के दोस्त लगाता नहीं आवा के दोस्त ही लगाता के तो हर मजदूरी नहीं खेत के स्टे खा गलता के करी द्वारा खा ले ने के प्रधान से पूछ ही ले जा ले ने के मुड़ासन का सिगर कर जाना तो कौन के अपने प्रधान से कह दे। चलिए ऐसे गरीब के पास इनकी मजदूरी नहीं आई है, और इस गरीबी में अपने बच्चे को देखिए, इस विकलांगता को, या बोल नहीं सकते ना चाची, बोल नहीं सकते, ऐसे ये गरीब व्यक्ति हैं, गरीब घर में रहते हैं, ये बोल ही नहीं सकते। अपनी तकलीफें अपनी माता को, पिता को, हमको, आपको, या सोशल मीडिया किसी को ये नहीं बता सकते। फिर ये जिंदगी कैसे जी रहे हैं, ये तो सरकार को, यहाँ के प्रधान जी को, सिगरेटरी साहब, बीडीओ साहब, सबसे मेरी विनती है कि ऐसे गरीब को, ऐसे बेजुबान व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को जो अपने तकलीफ को नहीं बयां कर सकता, नहीं बोल सकता, अरे सर साहब आपकी नजर कहाँ रहती है? ऐसे गरीबों पर नहीं नजर आप डालते हैं तो फिर किधरिया नजर डालते हैं साहब? ऐसे गरीब नहीं रहेंगे तो आपकी सरकार नहीं चलेगी, और ऐसे गरीब नहीं रहेंगे तो आप ऐसी में और बड़े बड़े बंगला में नहीं बैठ सकते। आप सर, मेरी बात आपको नजर ये थोड़ा सा कड़वी लगता होगा, लेकिन मैं बात जो कह रहा हूँ चाचा जी, ये 100% सही है। ऐसे गरीबों से हम और आप जितने एससी में लोग रहते हैं, महलों में रहते हैं, इन्हीं गरीबों के द्वारा रहते हैं। ये गरीब नहीं रहते तो आप शायद उस एससी में और बड़े बड़े इमारतों में नहीं रह सकते। ऐसे गरीबों पर साहब ख्याल कीजिए, ध्यान दीजिए। अब आने वाला चुनाव है, अगर गरीबों के पास आएंगे तो क्या जवाब आप देंगे गरीबों को कि मैंने क्या किया और क्या आप लोग कर रहे हैं? ये अब आने वाला चुनाव है। ऐसे ऐसे खबर मैं जेनुअन
खबर दिखाने की कोशिश करता हूँ, गांव-गांव में जाता हूँ और गरीबों की हाल देख करके आपको बयां करता हूँ, इस वीडियो स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करता हूँ। गरीब नहीं रहेंगे साहब तो आप कहाँ रहेंगे, और ये गरीब नहीं सुविधाएं पहुंच पाएगी तो आप किस तरह सुविधाएं भेजेंगे अमीर तरफ गरीब। एक बात उसमें और कर दो रिकॉर्डिंग, है ना, आइए आइए सभा में, है ना, स्कूल नहीं है ना। चाचा देखिए जब गरीबों की बात आती है तो आप भी चाचा गरीब हैं, इनका दिल फट रहा है और आपको क्या बयां कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं चाचा? क्या है कि हमारे जो ग्राम सभा में कोई स्कूल नहीं है, बच्चे देखो बेकार जा रहे हैं, पढ़ते लिखते नहीं है ना। कितना दूर होगा चाचा? और यहाँ से बहुत दूर है, कम से कम बहुत दूर है ना, इस गांव के बाद में स्कूल है ना, तो ये छोटे छोटे बच्चे जैसे उधर के बच्चे मारते हैं ना, इन बच्चे उधर के मारे जाता नहीं है सर, है ना। कम से कम तो मान लो हम छोटे कास्ट के लोग हैं, है ना, और उधर जाते हैं बड़े कास्ट में तो बच्चे लोग परेशान करते हैं, स्कूल भी नहीं देना, सब छोटे छोटे बच्चे ऐसे बहुत बेरोजगार पड़े हुए हैं घर में, कोई इनके पास शिक्षा नहीं है, मान लो शिक्षा हो जाए तो इनके पास दिमाग खुलेगा ना। आप साहब इस वीडियो स्क्रीन पर डीएम साहब, एसडीएम साहब, बीडीओ साहब, एडीओ साहब, जितने साहब हैं सभी साहबों को मेरे तरफ से विनती है कि ऐसे गरीब को बतिया को ध्यान क्या ही नहीं देते हैं आप लोग, ऐसे गरीबों के गरीबी पर आप लोग नजर क्यों नहीं रखते हैं, यही बात बार बार कहेंगे तो मैं नहीं कहना चाहता हूं कि ऐसे गरीब की बात अगर नहीं मानते हैं तो कहां मानेंगे अमीरों की बात, जब ये गरीब नहीं रहेंगे तो आप कहां रहेंगे अमीरों के पास, ऐसे ही गरीब आप लोगों को जिता करके या जो भी इनकी सामर्थ्यता रहती है आपको प्यार देते हैं, आप एसी में बैठ जाते हैं फिर एक गरीबों की सुध लेना भूल जाते हैं साहब, ऐसे गरीबों पर नजर रखें। हम वाली अगर रखे कुछ लेके दे ले।